भगवता प्रोक्तम भागवतम। शास्त्र कहता है जिसे भगवान ने कहा है वो भागवत है। बोले नहीं जी, भगवत इदम भागवतम। बोले जो भगवान ने कहा है वो भागवत नहीं है, जो स्वयं भगवान है वही तो भागवत है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है। तो क्या है? बोले भागवत तो मुक्ति का साधन है। भागवत तो इस लोक को समार करके दूसरे लोक में तुम्हारा कल्याण करने वाली है। यदि हमने भागवत को मनोरंजन बना लिया तो मनोरंजन के बाद कुछ मिलता नहीं है। कुछ मिलता है क्या? आपका मनोरंजन करने वाला आपको न जाने क्या क्या दिखाता है। पक्षी बना देगा, पक्षी उड़ा देगा, आदमी को सांप बना देगा, सांप को आदमी बना देगा, न जाने क्या क्या करेगा। और सब कुछ करने के बाद क्या करता है वो? सब कुछ करने के बाद फिर स्वयं थाली लेकर के आपसे याचना करने लगता। देखा, यही समाप्त हो गया। इसलिए नहीं, भागवत तो कभी मनोरंजन का साधन मत समझ। बोले भागवत तो हमारा मुक्ति का साधन है। भागवत तो हमें जीवन जीना सिखाता है और जीवन जीने के बाद हमारे जीवन को संवारते हुए परमात्मा की प्राप्ति कराता है। ये भागवत की रखी हुई सामने कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। तो क्या है? बोले भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप है। साक्षात वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। चार प्रकार से भागवत कल्याण करती है, एक प्रकार से नहीं करती। तो चार प्रकार क्या है वो भागवत जो कल्याण करती है हमारा? बोले एक प्रकार है, हम भागवत की पोथी को पीले वस्त्र में, लाल वस्त्र में लपेट करके अपने घर में रख लें, सांझ सवेरे धूप दीप करें, प्रणाम करें तो कल्याण हो जाएगा सेवा करने से। दूसरा, कथा को श्रवण करने से। कुछ नहीं करना आपको, मात्र कथा सुननी है। कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। तीसरा, भागवत का दर्शन करने से। इसीलिए कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो कथा प्रारंभ होने से पहले मंगल कलश यात्रा होती है। उस मंगल कलश यात्रा में श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने सिर पर धारण करके हम निकलते हैं। क्या होता है कि जितने जीव इस भागवत जी का दर्शन करते हैं उन सबका कल्याण होता है। और सौभाग्य तो जीव का है जिसके सिर पर भागवत को रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। सहज नहीं है भागवत की कृपा। और चौथा उपाय है पाठ करने से। भागवत के मंत्रों का हम नित्य पाठ करें। एक प्रकार नहीं, चार प्रकार से हमारे जीवन का कल्याण करने वाली भागवत है। चार प्रकार से हमें मुक्ति देने वाली भागवत है। जीवन को शिक्षा प्राप्त कराने वाली भागवत है। ऐसी भागवत की कथा 7 दिन पर्यंत हम श्रवण करेंगे। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, जिसे जीवन में कल्याण चाहिए, जिसे जीवन के उपरांत परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो भागवत को सुने, भागवत में मनोरंजन की प्राप्ति न करे।
अगर भागवत में मनोरंजन करोगे तो मनोरंजन दिखाने वाले के पास भी कुछ नहीं होता, वो भी कटोरा लेकर भीख मांगता है सब कुछ दिखाने के बाद। अगर उसके पास वो शक्तियां होती तो वो भीख नहीं मांगता, लाख रुपए आपके सामने दिखा करके भी भीख मांगता है, क्योंकि वो मनोरंजन करता है। इसलिए भागवत मनोरंजन का नहीं, मुक्ति का साधन है।